हेलो क्लास, वेलकम जी बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 20 की थोड़ी सी प्रॉब्लम ले रहा हूँ और उसके बाद बेटा आगे बढ़ जाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 21, 22, 23 आज का टारगेट में शामिल है। बबो बस मैं जो अब कल एक लेक्चर लगाऊंगा वो लास्ट लेक्चर होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पर। उसके बाद बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक चैप्टर की तरफ हम बढ़ जाएंगे। वो सबसे तगड़े चैप्टर में से हैं और फाइनल में अच्छा खासा पोर्शन, लगभग 14 नंबर के चैप्टर आते हैं दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इवन मैंने बोला भी था बेटा लास्ट लेक्चर में, जब तक अब कॉमर्स साइड में रहना है उन चैप्टर का डिस्कशन होते रहना है। पूरी 12th होता रहेगा, पूरी बीकॉम होता रहेगा, बीबीए करोगे बीबीए होता रहेगा, सीए करोगे सीए होता रहेगा, वो नहीं छूटेगा कभी भी, पीछे नहीं रहेगा वो टॉपिक। चलो जी बेटा स्टार्ट कर देते हैं एक बार 20th इलस्ट्रेशन। मुझे शुरू के चार प्रॉब्लम लेनी है, ए बी सी डी। एक तो ये चार प्रॉब्लम, इसके अलावा मुझे कुछ बात भी बतानी थी। जिन्होंने इलस्ट्रेशन नंबर 20th किया उनको शायद ये पता होगी, जिन्होंने नहीं किया बेटा उनको मैं समझा रहा हूँ। बाबू कहता है, अ लेजर कीपर कुड नॉट एग्री द ट्रायल बैलेंस। He transferred an amount of 1859 being excess of debit side to the suspense account. अब मैं बताता हूं, देखो इसने कितना स्मार्टली इस चीज को लिखा, ये देखना एक मिनट जरा। 19th illustration, कैसे डिफरेंस देकर कैसे बात को लिखा था। एक बुक कीपर ट्रायल बैलेंस यहां पे भी मैच नहीं कर पाया, डिफरेंस दिखाया था 2715 रुपए का। ये देखना कैसे लिखा था, द डिफरेंस वाज प्लेस्ड टू डेबिट ऑफ सस्पेंस अकाउंट। कहां लिखा था सस्पेंस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। ये देखना, ये देखो अब 20th में कैसे लिखा, सारी स्टेटमेंट में ही झोल है बेटा। ही ट्रांसफर्ड एन अमाउंट ऑफ 1859 बीइंग एक्सेस ऑफ द डेबिट साइड टू द सस्पेंस अकाउंट। बेटा 1859 से एक्सेस है डेबिट साइड, ये साइड पहले से बड़ी है 1859 से, तो यानी कि जो सस्पेंस आया होगा वो किस तरफ आया होगा बेटा, क्रेडिट में। ज्यादा जल्दी की जरूरत नहीं होती बेटा, थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़ लेना वरना गलत स्टार्टिंग ही गलत हो जाएगी। ठीक है जी, जिन्होंने घर से किया है क्वेश्चन उनको पता होगा शायद ये बात। ठीक है, और अगर ध्यान नहीं दिया बस सॉल्यूशन चेपने में ध्यान था बेटा, फिर तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता उस चीज का। आगे बढ़ते हैं जी। बाद में बेटा कुछ एरर ऐसे ऐसे डिस्कवर्ड हुई। शुरू की चार प्रॉब्लम नहीं है, बस वही चार प्रॉब्लम लेंगे। इसके बाद जी पॉइंट मुझे डिस्कस करना है, लास्ट 8th प्रॉब्लम, वो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं, किसी ने प्रॉब्लम नहीं पूछा मुझसे। बेटा कहते हैं, अमाउंट पेबल टू गोविंद राम फॉर रिपेयर डन टू रेडियो 1500 एंड रेडियो सप्लाइड फॉर 9500 वर एंटर्ड इन अ परचेज बुक एज 10,000। बेटा कहते हैं अमाउंट पेबल दिया नहीं है, देना बाकी है अभी। कहता है अमाउंट पेबल है कितने रुपए, गोविंद राम को देने हैं रिपेयर के 1500 और रेडियो खरीदा है 9500 का। बेटा जर्नल एंट्री करनी क्या चाहिए थी, रिपेयर कराई, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, रिपेयर अकाउंट डेबिट। रेडियो खरीदा, दुनिया की सारी एसेट भी डेबिट होती हैं, रेडियो अकाउंट डेबिट। ये 1500, ये 9500। उसने कहा अमाउंट पेबल, पेड नहीं का, अगर दे चुके होते तो टू कैश, अगर नहीं दिए क्रेडिटर बना दो गोविंद राम को। बेटा गोविंद राम को क्रेडिटर बना लो 11,000 रुपए से। ठीक है, कहता है आपने परचेस बुक से एंट्री कर दी 10,000 रुपए। बेटा परचेस बुक में भी तो उधार की परचेस ही दिखाते हैं। अगर बेटा मैंने परचेस बुक से एंट्री कर दी है तो परचेस अकाउंट डेबिट, और बाबू उसमें भी उधार की परचेस ही दिखाते हैं तो गोविंद राम को कर दो क्रेडिट 10,000 रुपए। अब मैं कहता हूं बेटा चाहे मैंने एंट्री गलत करी, गलत करने के बाद कुछ तो सही किया। गोविंद राम को क्रेडिट करना था 11 से, गोविंद राम को क्रेडिट करा चाहे 10 से करा, फिर भी कुछ पोर्शन तो ठीक है। मुझे टोटल 11 से क्रेडिट करना, 10 से क्रेडिट हुआ हुआ है, 1,000 से और क्रेडिट कर दूं गोविंद राम, ये तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया। इसका इफेक्ट करो नलीफाई, उसको करो रिकॉर्ड, नलीफाई करना चाहिए, परचेस को कर दो क्रेडिट 10,000 से। उदिश परचेस को करो क्रेडिट 10,000 से, ये नलीफाई हो गया, उसको करो रिकॉर्ड।
रिपेयर को कर देना डेबिट 1500 से, रेडियो को कर देना डेबिट 9500 से, हो गया रेक्टिफिकेशन। ठीक है भाई, ठीक है जी। मेरे से एक ही बच्चे ने प्रॉब्लम पूछी थी, बेटा मैंने बता दिया, मुझे पक्का पता है दो तीन की प्रॉब्लम होती कम से कम, ठीक है जी, ज्यादा का तो पता नहीं, खैर लाइनें लग जाती। आगे बढ़ते हैं जी, सेकंड वन, एन आइटम ऑफ 5000 रिलेटिंग टू प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट वाज ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर बुक्स। कहते 5000 रुपए का एक प्रीपेड इंश्योरेंस था, कहता है पिछले साल की बुक से इस साल की बुक में लाना भूल गए। अरे लाना भूल गए तो ले आओ, क्या दिक्कत, क्या प्रीपेड इंश्योरेंस है ना, प्रीपेड एक एसेट होती है, अगर मैंने किसी चीज के लिए एडवांस में पे किया मुझे बेनिफिट मिलेगा ना, एसेट है। दुनिया की सारी एसेट क्या होती है, डेबिट होती है बेटा। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, सामने वाली साइड का नाम समझ नहीं आ रहा क्या लिखो, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस लाना भूले हो, बाकी उसने ये नहीं कहा कि कुछ और बोले हो, एक ही साइड बताइए बेटा, सामने क्या लिखो, सस्पेंस अकाउंट कितना मेरी मजबूरी है 5000 से। ठीक है जी बाबू, जिन बच्चों की जर्नल एंट्री वीक है या दो तीन बार छोड़ दी, मैं आपको देखो ये चीज आज भी सजेस्ट कर रहा हूं, सिर्फ नंबरों के नाते नहीं, ठीक है, ये एक भाई के नाते एडवाइस समझ लो बाबू, 12th क्लास में रह जाओगे, 11th तो मैं निकाल भी लिया ना, 12th तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा, इतना मास्टर लेवल है 12th का कि आपको लगे यार सर पकड़ लू, गलती करती मैंने 11th में ना पढ़ के, कुछ भी छोड़ जाओ यहां से, दो बातें नहीं छोड़ के जानी, ना जर्नल एंट्री ना अगले शुरू होने वाले चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वरना एक एक महीना लगाओगे 12th में, पहले ये पूरा करोगे। दूसरी बात, जब मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करा रहा हूं ना, अब तो खैर आखिरी दिन का रह गया भाई साहब, जो मैं बातें बोल रहा हूं अगर ये भी सुनिए, ये भी बेस बना देगा, जैसे मैं बोलता हूँ सारी ऐसा डेबिट होती है, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, ये भी बेस सुनिए ना, तब भी जर्नल एंट्री काफी कुछ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी बता रहा हूं भाई के नाते बात, वीडियोस लेकर बैठ जाओ, जर्नल एंट्री साइड बाय साइड करते रहो, मैं कहता हूं फाइनल के सिलेबस में 4 नंबर की आ जाए, चाहे आए ना, 12th बचा लेगी तुम्हारा, ये बाकी तुम्हारी इच्छा भैया। ठीक है, हम तो सही रास्ता दिखा सकते हैं, चलना ना चलना तो वो आपने सोचना है, अब इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि बेटा जबरदस्ती की जाए कि आपसे नहीं तू पढ़ जर्नल एंट्री, आपकी इच्छा। ठीक है जी, चाहे 4 नंबर की आए, 6 नंबर का कम से कम ये चैप्टर आएगा, 6 का भी छोड़ 8 का आएगा, अभी बता ये भी जर्नल एंट्री बेस्ड है, 12 आ जाएंगे अगर वो 4 का आ गया तो, और अगले जो 2 चैप्टर करा रहा हूँ 14 के वो आएंगे, लिख कर दे रहा हूं 26 नंबर है ये, 27 पे पास हो 80 में से, और खाली पास होने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो 12th बहुत आराम से निकलवाएगा, वरना 12th रोना पड़ेगा इनके लिए। आपको आइडिया तो है, मैंने 45 दिन से ज्यादा खर्च करे हैं जर्नल एंट्री में, अगर मैं मेन बैच और फिर रिवीजन देखो तो 45 से ज्यादा है दिन, देखना मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो कितनी डाली। चलो फिर थर्ड वन की तरफ बढ़ते हैं, कहता है अ डिस्काउंट ऑफ 581, केशव बताएगा ये, पहले दो फिर उसका भी नंबर लगा देंगे। ठीक है जी, केशव गुंबर बताएंगे पहले, अ डिस्काउंट ऑफ 581 अलाउड टू कस्टमर हैज बीन क्रेडिटेड टू हिम एज 562। कहते हैं कस्टमर को 581 रुपए की डिस्काउंट दी, ठीक है, कहता है उसको क्रेडिट करा, क्रेडिटेड टू हिम, यार ऑब्वियस सी बात है ये वर्ड कस्टमर के लिए लगा रहा है, जिंदा जीते जाते इंसान के लिए तो वर्ड लगा रहा हूं हिम, कहता है उसको क्रेडिट किससे करा, 562 से करा। पहले तो यही सोच लेते हैं करेक्ट एंट्री क्या करते, कस्टमर को 581 की डिस्काउंट दी, एंट्री क्या करते, करेक्ट करेक्ट एंट्री क्या करते, पानी पिलाओ, बच्चा कंफ्यूज हो गया, होपलेस हो गया। डिस्काउंट अलाउड, दुनिया के सारे खर्चे सारे लॉसेस डेबिट होते हैं, अगर मैं किसी को डिस्काउंट दे रहा हूं भैया, इमोशनल होकर नहीं प्रैक्टिकल होकर सोचो, है तो बिजनेस का नुकसान ही, अगर ये डेबिट है तो कस्टमर क्या है, क्रेडिट है, कस्टमर को क्रेडिट करना था, ये टोटल ट्रांजेक्शन 581 से करनी थी, गलती क्या करी,
कहता है कस्टमर को क्रेडिट कर दिया 562 से, कस्टमर को क्रेडिट कर दिया 562 से, सर कोई हिंट नहीं है डिस्काउंट अलाउड का कि इसमें आपने गलती किया, तो मतलब ये तो ठीक किया, डिस्काउंट कस्टमर को क्रेडिट करना था 581 से, मैं क्रेडिट कर बैठा हूं 562 से, 1900 रुपए से क्रेडिट और कर दो हो जाएगा सब कुछ ठीक ठाक, 19 से क्रेडिट कर दूं तो डेबिट किसको करूं, डेबिट नहीं बता किसको करूं, सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट जिंदाबाद 19 रुपए, ठीक है पुत्र आगे बढ़े। चलो जी सर ये वन ऑफ द ना इजीएस्ट चैप्टर था जिसमें कईयों ने छुट्टी करके रायता कर दिया, फिर मुझे लगता है कि यार मैं रोज 5-7-10 मिनट बोलूंगा ना एक बैच में, आपको लगेगा यार ज्ञान ही देते रहते हैं हर चीज पे, भाई जिंदगी बन जाएगी। मैं कहता हूँ ठीक है पता है घर पे बिजनेस सेट है, आधों को पता हो सकता है, आधों को पता कि मैंने नहीं कुछ करना आगे जाकर पढ़ाई में, ठीक है यार खाली पढ़ाई से जिंदगी नहीं बनती, ठीक है ना, ऐसे बहुत लोग हैं जिंदगी में कामयाब है और पढ़े कम है, ठीक है ना, जिंदगी में अच्छा इंसान बनना कामयाब होना यही एम है, वो जरूरी नहीं है पढ़ाई से हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने कुछ किया था तो आप भी कुछ कर लो, 12th तो फिर भी करोगे, रिजल्ट तो पब्लिकली आएगा ना सर, उस दिन बहुत फील होता है कि 10 घंटे और एक्स्ट्रा पढ़ लेता तो ये कर देता, वो फील ना हो फाइनल में, ठीक है ना, बहुत औखा है यार मैं वर्ड भी बोलूं ना कंपार्ट, वो देना भी बहुत औखा है, शहर में किसी भी टीचर के पास हम चले जाते हैं ना, भैया कंपार्ट पढ़ा दो, भैया ये करा दो, वो भी ये कह देता है कैसे भाई तेरा रिजल्ट कब आ रहा है, इन दिनों आ रहा है, बोर्ड के पेपर सर पे खड़े, मैं 12th के बैचेस ले रहा हूँ 8-8 घंटे के, हर टीचर कह देता है कंपार्ट के लिए कोई अलग टाइम मिल नहीं पाता भाई, वो दिन मत देखना बहुत बुरा होगा। मैं पहली बार बैच में ना इस चीज पे लेक्चर दे रहा हूँ कि कंपार्ट मत ले आना, क्योंकि ना आधों ने हालात खराब कर दिए अपने, मैं इस चीज पे लेक्चर देता था टॉप कर देना, भाई ऐसा कोई लेवल नहीं पढ़ा रहे आपको कि आप पास नहीं हो पाओगे, एक एक क्वेश्चन एक एक इलस्ट्रेशन कराने के बाद पूरा सिलेबस कराने के बाद अगर वो बैच में रिवाइज हो रहा है यार कहां तक हम फॉल्ट पर है, कई बच्चों की ना एक रजिस्टर नहीं भरा अकाउंट्स में, 6-6 रजिस्टर भर जाने चाहिए, दूसरा रजिस्टर ही नहीं लगा आज तक, पहले का नहीं पता कहां है, डी एन अमाउंट ऑफ 5000 ड्यू फ्रॉम राकेश विच हैज बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन अ प्रीवियस ईयर वाज नाउ रिकवर्ड एंड हैड बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ राकेश। बेटा कहते हैं 5000 रुपए राकेश से जो लेने थे ना पिछले साल बैड डेट कर दिए, मान लिया कि अब वो पैसे नहीं आएंगे, कहता है नाउ रिकवर्ड आ गए वो पैसे आज, बाय चांस राकेश ईमानदार हो गया और पैसे दे गया, आपको पता है ये एंट्री जर्नल एंट्री में बहुत फंसाने की कोशिश होती थी, सो भाई क्या होनी चाहिए एंट्री अगर बैड डेट अगर रिकवर हो गए हैं तो, हाँ पिछले साल बैड डेट कर दिया था इस बार अभी पैसे दे गया 5000 बैड डेट रिकवर्ड हो गए, एंट्री करता था पूरी एंट्री जर्नल एंट्री क्या, बिल्कुल पैसे तो आए हैं ना, एंट्री क्या होती पैसे जब भी आएंगे कैश या बैंक डेबिट होगा, बेटा पैसे आए हैं एंट्री क्या होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, पूरा लिख लेना ठीक है जी, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, कहता है आपने बैड डेट रिकवर्ड नहीं किया आपने राकेश के पर्सनल अकाउंट में ही पोस्ट कर दिया, हम करते हैं ना अगर कोई डेटर पैसा दे देता है एंट्री क्या करते हैं कैश टू राकेश, कहता है आपने बिल्कुल वैसे ही राकेश के अकाउंट में पोस्ट कर दिया, बेटा अगर मैंने राकेश के अकाउंट में पोस्ट कर दिया मतलब राकेश को क्रेडिट कर दिया, करना किसको था बैड डेट रिकवर्ड को, कैश के बारे में कोई हिंट नहीं है मतलब ये सब कुछ ठीक ठाक है, एंट्री क्या होगी इसका इफेक्ट नलीफाई करो उसको करो रिकॉर्ड, अगर बेटा ये मैंने रॉन्ग एंट्री करी है और इसको नलीफाई करना है खत्म करना है तो साइड बदल दो विद द इक्वल अमाउंट और उसको कर दो रिकॉर्ड, एंट्री होगी राकेश डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है। चार प्रॉब्लम पूछी थी, अब मैं बेटा जी पॉइंट खुद से बता रहा हूं, लेकिन यार देखो
होमवर्क नहीं कर रहे ना यार, मतलब क्या क्या कर रहे हो? एक क्वेश्चन होमवर्क दिया, इलस्ट्रेशन 20, वो आधे से आधा बच्चे नहीं कर पाए। कुछ नहीं होता है, एक दो दिन बढ़ जाएंगे। आपको तो ये लग रहा होगा ना, कुछ नहीं होता, मैं करा दूंगा, मैं करा दूंगा, वही एक दो दिन रिवीजन में कम मिलेंगे, वही परेशान आगे आके होना है आपने। मैं ये सोचकर बैठा हूं फाइनल का सारा सिलेबस कराने के बाद हाफ ईयरली के कुछ पोर्शन पक्का करा दूं। अब आपको सोचना है, वो नहीं करा पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको दर्द नहीं है तो मुझे भी दर्द नहीं, टाइम तो उतना ही है। फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आपके स्कूल वालों ने कहा था ना, चलो जी बैठो फाइनल पेपर है, किसी मुंह गालते में मत रहना, मार्च में पेपर होंगे। 21 फेब के आसपास तो बोर्ड पेपर शुरू कर देता है, सारे स्कूल को पता है। वो 15 तक पेपर खत्म करते हैं, 22-23 तक रिजल्ट दे देते हैं आपके हाथ में। कोई भी स्कूल, सब में सेंटर लगना है, ये किसी मुकालते में मत रहना। अब ये पहले होता था मार्च मार्च मार्च, 11 के पेपर फर्स्ट वीक ऑफ फेब है, 31 जनवरी डेडलाइन है, सही से कर लो बिहेव, नंबर लाने हैं बेटा। जी पॉइंट क्या कहता है, मतलब इससे ब्रिलियंट क्वेश्चन ही। अगर 19th ब्रिलियंट था, जहां मुझे इसने पहले ही बता दिया था ट्रायल बैलेंस में कितना डिफरेंस है और वहां सस्पेंस का टोटल मिलता था, कल बोला था मैंने ये बात, ये उससे भी ब्रिलियंट है क्वेश्चन। वो इसने क्या करा, ये तो बताया कि डेबिट साइड एक्सेस में है इतने रुपए से। अगर डेबिट एक्सेस में है तो सस्पेंस का बैलेंस क्रेडिट में, ये बात तो मैंने शुरुआत में बताई। अब बेटा जब मैंने ये 8 एंट्री सॉल्व करी होंगी, मतलब अभी 7 सॉल्व करी है, तो 7 सॉल्व करने के बाद कहीं सस्पेंस आ रहा है, कहीं सस्पेंस आ रहा है, कहीं नहीं भी आ रहा, कहीं आ रहा है, कहीं नहीं भी आ रहा, कहीं आ रहा है। बेटा 8 एंट्री पढ़ते हैं, सिर्फ सिर्फ पढ़ते हैं, आप सब मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं। कहते हैं रेस्ट ऑफ द डिफरेंस वाज ड्यू टू रॉन्ग टोटल इन सेल्स अकाउंट इन द लेजर। कहते हैं बाकी जितना भी डिफरेंस रह गया है वो सेल्स का टोटल गलत होने की वजह से रह गया। उसने ये नहीं बताया किस साइड, कुछ नहीं होता, तूने इतना बोल दिया कि सेल्स की वजह से रह गया बाकी डिफरेंस, हो गया मेरा काम, सस्पेंस अकाउंट बनाना शुरू करो। मैं आपको बता देता हूं, 7वीं एंट्री कर, ये 6ठी एंट्री करने के बाद 7वीं एंट्री अभी आपको नहीं करनी। आपको ये नहीं पता आपने सेल्स किस साइड लिखना है, आपने क्या करना है, पहले सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना है। जब सस्पेंस अकाउंट में प्रिपेयर करना शुरू करूंगा, सबसे पहले 1859 का डिफरेंस था क्रेडिट में, सस्पेंस के क्रेडिट में 1859 आया, शुरू के एंट्रीज देखते हैं। इधर देखो जी, पहली एंट्री में सस्पेंस का नाम है नहीं है, सेकंड में है, सस्पेंस इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पे 5,000 लिखे होंगे, ये देखो जी लेजर पे लिखे। नेक्स्ट एंट्री, वो सस्पेंस डेबिट साइड, पोस्टिंग डेबिट साइड पर सामने वाली साइड का नाम 2 कस्टमर 1900 रुपए लिखे होंगे, लिखे हैं जी, बिल्कुल लिखे हैं जी। अब वो उसके बाद यहाँ सस्पेंस का नाम ही नहीं आया, छोड़ो, सस्पेंस पे डेबिट साइड पर पोस्टिंग हुई होगी, 2500 लिखे होंगे, बिल्कुल लिखे हैं जी। उसके बाद बेटा फिर सस्पेंस का नाम नहीं आया, 6 एंट्री खत्म। अब बेटा आपने टोटल किया होगा, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड, 6859 इज द हाईएस्ट टोटल, दोनों तरफ लिखा होगा, बैलेंस निकाला होगा, लेकिन इस बार नाम बैलेंस नहीं आ सकता, ना डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस आ सकता, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस तो पहले ही आ चुका। उसने क्या कहा, बाकी जितनी गलती रहेगी सेल्स की वजह से है, सेल्स की वजह से आपने लिखा टू सेल्स अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आ गया। एंट्री क्या हुई, 7th। बेटा लेजर से भी तो जर्नल एंट्री बनानी आनी चाहिए, ठीक है ना, लेजर से भी तो जर्नल एंट्री बनानी आनी चाहिए। कौन सी साइड है ये, डेबिट साइड, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4340, ये रही एंट्री 7th एंट्री। ऐसे होगी इस बार इस क्वेश्चन की, क्लियर है? 19th इलस्ट्रेशन अगर ब्रिलियंट था तो ये उससे ब्रिलियंट है। मैंने आपको एक आध दिन पहले एक इलस्ट्रेशन कहा था बेटा, जब रिवाइज करोगे वो जरूर करना, शायद 15th इलस्ट्रेशन बेटा, 1920 उसमें ऐड कर लेना, उस लिस्ट में इंपॉर्टेंट में, 15, 19 और 20। फाइनल का जब मैं रिवीजन करूंगा तो 15, 19, 20 नहीं छोड़ सकता मैं, ठीक है जी। अभी बाबू आज का टारगेट में ना, अब देखो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर करेंगे, 21 और 22 मेरा आज का टारगेट है, ठीक है, वैसे 23 भी था, मैंने अपना टारगेट खुद कम कर दिया। दोनों में 5-5 एंट्री है और दोनों में ऐसी कोई एंट्री नहीं है जो कभी डिस्कस नहीं हुई, सब डिस्कस हो रखा है। स्पीड बढ़ाकर पहले 21 कर रहे हैं, 5 हैं, 5 ही मिनट के बाद प्रॉब्लम ले लेंगे बेटा,
पांच की मिनट के बाद प्रॉब्लम, और फिर बेटा 22 थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, पढ़ते हैं 21, ठीक है जल्दी से 21 आप कर रहे हैं, मैं सर प्रॉब्लम लूंगा बेटा। बेटा एक बार फटाफट से डिस्कशन कर देता हूं, लेकिन बेटा ये डिस्कशन में मैं जर्नल एंट्री एक नहीं लिखूंगा। बाबू कहते हैं फर्नीचर परचेज करा 10,000 का, लेकिन रॉन्गली डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट को 4,000। बेटा क्रेडिट साइड का कोई इंटर नहीं है तो गलती भी नहीं करी क्रेडिट साइड में। फर्नीचर को डेबिट करना था 10,000 से, गलती से डेबिट किसको करा, परचेज को डेबिट करा 4,000 से। परचेज का इफेक्ट नलीफाई किया होगा, फर्नीचर को रिकॉर्ड किया होगा, कुल मिलाकर एंट्री बैठी होगी फर्नीचर डेबिट 10,000, परचेज क्रेडिट 4,000, सस्पेंस क्रेडिट 6,000, ठीक है जी। आगे बढ़ो, मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमन फॉर 20,000, रिकॉर्डिंग थ्रू द परचेज बुक एज 6,000। काम की बात बेटा, मशीनरी बस जी, अब शोर ना मचाओ रौनक यार, रुक जा। मशीनरी परचेज करी उधार पर रमन से 20,000, एंट्री हुई मशीनरी टू रमन 20,000, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। उसने कहा परचेज बुक से कर दी, भैया परचेज बुक में उधार की परचेज रिकॉर्ड होती है, यानी कि क्रेडिट आपने फिर रमन को ही किया होगा। एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन, लेकिन रमन को इस बार क्रेडिट करा 6 से, करना किससे था 20 से, पहले रमन को 14,000 से क्रेडिट कर दो, रमन का हिसाब किताब निपटा। परचेज का इंपैक्ट रिवर्स कर दो, परचेज को भी क्रेडिट कर दिया 6,000 से, रमन क्रेडिट है 14 से, परचेज क्रेडिट है 6 से, मशीनरी को रिकॉर्ड करो डेबिट करो 20,000 से, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, खत्म, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, रिपेयर और मशीनरी 1400 डेबिटेड टू मशीन अकाउंट 2400, रिपेयर को डेबिट करना था 1400 से, मशीनरी को डेबिट कर दिया 2400 से, रिपेयर डेबिट 1400, सस्पेंस डेबिट 1000, मशीनरी क्रेडिट 2400, सब खत्म, ठीक है। जब तक उसने क्रेडिट साइड के बारे में कहा नहीं, मैं क्रेडिट साइड को छेड़ूंगा भी नहीं, गलती भी नहीं है वहां पर क्योंकि बाबू। रिपेयर ऑन ओवर हॉलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज 2000 वाज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट एज 200। बेटा ओवरहॉलिंग कराई सेकेंड हैंड मशीन पर, ओवरहॉलिंग मतलब वास्ट रिपेयर, मैसिव रिपेयर, और बेटा ये मशीनरी की कॉस्ट में जुड़ती है। मुझे मशीन को डेबिट करना था 2000 से, मैंने रिपेयर को डेबिट कर दिया 200 से, इसका इफेक्ट करो नलीफाई, उसको करो रिकॉर्ड। मशीन डेबिट 2000, रिपेयर क्रेडिट 200, सस्पेंस क्रेडिट 1800, सब कुछ ठीक ठाक। आगे बढ़ो जी, पुरानी मशीन बेची 3000 की, क्रेडिट कर दिया सेल अकाउंट को 5000। बेटा जब मैंने पुरानी मशीन बेची, क्रेडिट तो मेरे को मशीन को करना था, मुझे करना था 2 मशीन 3000, मैं करे बैठा हूं 2 सेल्स 5000। बेटा ये तो गलत किया, इसका इंपैक्ट नलीफाई करो, मतलब सेल्स को डेबिट कर दो 5000 से, मशीन को करो रिकॉर्ड 2 मशीन 3000 और 2 सस्पेंस 2000, सब कुछ ठीक ठाक, मतलब समझ आई बात पक्का से बाबू। 21 डन, आज का टारगेट पूरा कर दो। 25 में भी बेटा अभी 5 गलतियां हैं और इस पर डिफरेंस भी दिया गया, चलो क्या ये बाद में देखना, पहले आप 5 गलतियां ठीक करने की कोशिश करो। बेटा रख, आज के लिए हम इतना ही रहे हैं, लेकिन आपके लिए कुछ होमवर्क है बेटा। 22 तक कर चुके हैं, 23, 24 इलस्ट्रेशन आपके लिए होमवर्क है। बाय।